फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ग्रीन टी फेस पैक हमें लगाना चाहिए। ग्रीन टी से हमारे जो भी डार्क स्पॉट रहते हैं, पिंपल्स वगैरह डार्क रहते हैं या पिंपल्स वगैरह आते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, ये सारे दूर होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में ग्रीन टी टोनर, ग्रीन टी पैक, ग्रीन टी कितनी महंगे मिलती है। तो हमारे जो भी पिंपल्स वगैरह आते हैं तो वो सारे चीज़ को दूर करती है, इसलिए ग्रीन टी बेनिफिट बहुत होती है। ग्रीन टी को हम लोग अक्सर पी के फेंक देते हैं उसके बैग को। तो चलिए आज मैं बताऊंगी ग्रीन टी पीने के बाद भी उसके बैग जो होता है ग्रीन टी का, उसको फेंकना नहीं चाहिए और वो कितने इफेक्टिव है, कितने असरदार, जितने भी सारे बेनिफिट है मैं इसको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं पहले कैसे बनाते हैं फेस पैक। मैंने ग्रीन टी का पानी लिया है, ये देखिए ग्रीन टी पहले से भिगा दीजिए, उसके पानी को लेना है आपको। फिर मैं इसमें डेढ़ चम्मच के करीब चावल का आटा डालूंगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, एक चम्मच हाफ हाफ करके, एक चम्मच बेसन, एक चम्मच चावल। और मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, ये आधा चम्मच के करीब है। फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी हनी, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो स्किप कर सकते हैं। तो फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मैं एक कैप्सूल इवियन 400 की डाल रही हूँ, विटामिन ई की कैप्सूल है। इन सबको मिक्स कर लूँगी मैं। जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी लीव्स, इसको मैं पूरा मिक्स कर दूंगी इसमें और अच्छे से फिर इसको मिक्स कर लूंगी। और 5 मिनट तक आप इसको रख दीजिए, जब तक पूरी ग्रीन टी की गुडनेस है वो आपस में मिल जाए। तो 5 मिनट तक मिक्स और आप इसको रख दीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से कुछ इसका कलर आ गया ग्रीन ग्रीन, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही बेनिफिट है हमारे रिंकल्स विंकल्स, जो भी प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट, पिंपल, सारे को रिमूव करेगा। और ये देखिए मेक्सर आपका स्किन, पहले से आप अपने चेहरे को फेस वॉश से धो लीजिएगा, साफ स्किन पर लगाना है इसको। और फिर 2 मिनट तक कम से कम स्क्रब करिएगा, हल्के हाथ से करिएगा। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में रखी हूँ, इसके लिए आपको लग रहा है ऐसा मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे कर रही हूँ, रफ मत करिएगा, धीरे धीरे हल्के हाथ से करिएगा। फिर इसकी एक थिक लेयर लगा लीजिए, फिर इसको 10 मिनट तक आप कब से सूखने दीजिएगा, सेमी ड्राई करिएगा ज़्यादा, देन फिर स्क्रब करके आप इसको रिमूव कर दीजिएगा और ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं फिर इसको। और ये सारी चीज़ें नेचुरल है तो कोई हार्मफुल नहीं है, और इसका चावल एंटी एजिंग का काम करती है, और ग्रीन टी लीव्स रिंकल्स विंकल पिंपल्स वगैरह जो भी आते हैं सबको क्रिस्टल क्लियर बनाती है, और एलोवेरा और विटामिन हमारी स्किन को नरिश करती है, स्मूथ बनाती है, लाइट प्रॉपर्टी करती है हमारी स्किन को। तो सारे ये सारी चीज़ें बेनिफिट है। मैंने अपने चेहरे को धुल लिया, फिर मैं अपने चेहरे को टोन कर लिया, फिर अपना होम मेड ग्लो सीरम लगाऊंगी। आप चाहे तो मॉइस्चराइजर भी लगा सकते, इसको जेंट्स लेडीज़ कोई भी एज के हो सारे लोग लगा सकते, स्किन टाइप के, तो ये नेचुरल है, कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और आप धुलने के बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन बहुत यूथफुल। इन वन का काम है प्लस स्क्रब प्लस पैक, और मैंने आपका टाइम बचाया है, स्क्रब और प्लस पैक दोनों एक साथ करके बताया है कि आप इसके आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट सबसे इफेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट वो होगा, रिजल्ट अच्छा आता है। और मैंने इसमें ट्विन फेस पैक भी है, ये एंटी एजिंग का फेस पैक भी है और ये पिंपल्स रिमूवर फेस पैक भी है, तो ये भी 2-in-1 है। कितना इफेक्टिव, पिंपल्स वगैरह बहुत आते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पिंपल्स की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रिंकल्स वगैरह सारे को रिमूव करता है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको ज्यादा बेनिफिट के लिए इसको आप हफ्ते में 2 बार ट्राई करिएगा, इसको आप 4 से 5 बार लगाइए, यूज करिए और देखिएगा पहले से आपका रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर है। और ग्रीन टी एज ए टोनर भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत कुछ भी नहीं होता है, कोई चीज लगाने से आदमी तुरंत गोरा नहीं होता है। हाँ, हमारे जो धूल हमारे अंदर जो हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स में जाके वो सारे धूल मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, तो इसके वजह से हमारी स्किन डल लगती है। तो हमारा जब हम लोग फेस पैक लगाते हैं तो वो ऊपर जो वो निकाल देता है पोर्स के अंदर से जाके, उसको सर को क्लीन कर देता है, तो हमारी स्किन में इतनी ब्राइट आ जाती है, डलनेस दूर हो जाती है, पूरा हो जाए। तो इससे आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और ऐसे लोग से भी दूर रहिए। तो आप ऐसे लोग को भी सपोर्ट करते हैं जो ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसे टाइटल पढ़ के आप पट से उस पर क्लिक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए, बाहरी खूबसूरती पे मत जाइए, अंदर की खूबसूरती सबसे अच्छी होती है। भगवान ने जो कलर दिया उसे प्यार फॉलो करिए, नाइट रूटीन फॉलो करिए और सीटी एम वगैरह अच्छे से करिए,
तो करेंगे तो हाँ पहले से हमारा स्किन ब्राइट हो जाता है, थोड़ा इफेक्ट तो जरूर पड़ता है ये मैं कहूंगी, लेकिन इसके लिए आपको ट्राई ऐसा नहीं कि आप एक दिन में हो जाएंगे, इसके लिए आपको कम से कम फॉलो करना होगा ये सारी चीजें। तो आप अगर सारी चीजें करने मेरे चैनल पे सारी वीडियो है कैसे लगाइए, ग्रो सीरम भी लगाने चाहिए, उससे भी हमारी स्किन निखरती है। तो आप ऐसे रूल्स करेंगे तो जरूर आपको, तो प्लीज मुझे लाइक करिए, आपकी लाइक हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है और भी अच्छे वीडियो बनाने के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ही हमारे मतलब आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ऐसे किसी भकाव में नहीं आते, ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, लाइक कमेंट शेयर प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।